हम भी आधे रास्ते में आ चुके हैं और आगे का रास्ता हमें समुंदर को क्रॉस करके जाना है, तो इसलिए हम साइकिल को यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। जी भाई, माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। तो फाइनली जो लोग बोल रहे थे कि आपने नया कैमरा लिया है, नए कैमरे से वीडियो कब शूट कर रहे हो, तो आज मैं नए कैमरे से वीडियो शूट कर रहा हूँ, करूँगा अभी। ये मैं इंट्रो फ़ोन से शूट कर रहा हूँ फिलहाल। तो आज मैं मंदिर जा रहा था, तो मैंने सोचा आपको वहाँ का ब्लॉग देना चाहिए और दिखाना चाहिए कि दुबई में हिंदू मंदिर कैसा है, जो मात्र एक हिंदू टेम्पल है यहाँ का और जिसको 1958 में बनाया गया है हिंदू कम्युनिटी द्वारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेके चलते हैं वहाँ पे। तो ये रही अपनी साइकिल जिससे मैं जाने वाला हूँ। तो चलिए फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से और रास्ते का हम आपको व्यू दिखाते हुए चलते हैं। दुबई की धूप के बारे में आपको तो पता ही है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा धूप होती है और हम लोग हो चुके हैं लेट, अभी काफ़ी धूप हो रही है, काफ़ी गर्मी भी हो रही है। रास्ते में आ चुके हैं और आगे का रास्ता हमें समुंदर को क्रॉस करके जाना है, तो इसलिए हम साइकिल को यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। चलते हैं आपको लेके, यहाँ से हमें बोट पकड़नी, बोट से हम समुद्र को क्रॉस करके उस साइड जाएंगे। ये है मेरे साथ राजू भैया।
गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी फुल दोपहर हो चुकी है। यहाँ से हमें बोट्स पे जाना पड़ेगा। पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा दूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी बोट्स खड़ी हुई हैं। कहीं बोट्स से बैठ के हम लोग समुद्र को क्रॉस करके मंदिर जाएंगे। अभी हम चलते हैं बोट पे। इस बोट का नंबर आ चुका है जाने के लिए। तो ये बोट जिससे हम जा रहे हैं, कम से कम 1 से 2 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। अभी हम आ चुके हैं समुंदर के उस पार। तो यहाँ से वहाँ तक की दूरी के लिए बस हमें 1 ग्राम देना पड़ा है, इंडियन 20 रुपीज़। ये सीधा रास्ता मंदिर की तरफ जाता है। यहाँ से बस 40 से 50 मीटर की दूरी पर है मंदिर।
प्रसाद यहीं ले लो, यहीं ले ले, यहीं से इधर से है जाना, इधर से भी जा ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी छोटी छोटी गलियाँ हैं, और ये जितनी दुकानें बंद हुई हैं, ये पहले यहाँ पे मिनी बाजार हुआ करता था, और मंदिर को इन्हीं दुकानों के ऊपर एक हॉल में बनाया गया है। यहाँ पे आके ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं इंडिया में मंदिर पे नहीं जा रहा हूँ। जूते रख देते बाहर, ये मंदिर का गेट है, हम यहाँ से एंटर करेंगे। मंदिर फर्स्ट फ्लोर पे है, तो हम सीढ़ियों से होते हुए जाएंगे मंदिर की तरफ। हम थोड़ी पूजा करके आते हैं, थोड़ी देर में हम ब्लॉग शूट करेंगे। और ये जो न्यू मंदिर बन रहा है अबू धाबी में, उसका ये मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा है। वीडियोग्राफी यहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ी बहुत दिखाने के लिए। रेड बोल ना, तुम इधर है प्लेट। मंदिर का प्रसाद हमने आपको मंदिर दिखा दिया, लेकिन मंदिर के ऊपर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, मैंने जितना भी कोशिश की उतना मैंने आपको दिखाया। और अभी हम आपको बाहर की दुकानें दिखाते हैं, जो बाहर शॉप्स हैं। जब कभी फेस्टिवल हिंदू फेस्टिवल होते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं मंदिर से रिलेटेड सारे चीज़ें, फूल माला मिल हरे कृष्ण। अंकल शायद गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन उनके गुस्सा होने से क्या फ़ायदा है, इनकी लैंग्वेज वैसे भी मुझे समझ नहीं आने वाली। तो हम आपको दिखाते चलते हैं आगे सब। फिर मैं आपको शॉप के अंदर लेके चलता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, धार्मिक ग्रंथ, बैल जो हम मंदिर में जाके बजाते हैं, सब कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं।
ऐसा फील नहीं होता कि हम अपने धार्मिक स्थल पर नहीं आए हुए हैं, जैसे इंडिया में होता है सेम वैसे ही सब कुछ है इधर। अभी आप कैसे हो? ठीक है। आप कहाँ से हो? सर हम चेन्नई से। चेन्नई? हाँ जी। और सब ठीक है? सब ठीक है। तो सर ये मंदिर की टाइमिंग क्या? सर मंदिर की टाइमिंग आप सुबह 6 से दोपहर के 12 बजे तक है, शाम को 6 से रात को 9 बजे तक है। तो बस थोड़ा आगे चलकर कृष्ण जी का मंदिर है, ये सामने आप देख सकते हो, लेकिन ये अभी बंद है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ दिन बाद जन्माष्टमी है, उसकी पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। कल रक्षाबंधन है, ये राखी आ चुकी है यहाँ पर। और ये सब जहाँ पे मंदिर के बाहर का लुक है, जो आप देख सकते हो, यहाँ पे ज़रूरी सामान दे सकते हो, सारे कपड़े, ड्राई फ्रूट्स।